हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग की एक टॉपिक करेंगे, आकृति गिनना, और उसमें देखेंगे हम त्रिभुजों की संख्या है वो सभी प्रकार के जो त्रिभुज है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, उन सभी को आज गिनेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ओनली आप गिन पाओगे सिर्फ 2 सेकेंड में। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस टॉपिक से हमारे को प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। त्रिभुज गिनने का 1 क्वेश्चन तो हमारे को प्रत्येक एग्जाम में मिलता है, चाहे वो नेवी एयरफोर्स हो या SSC की हो या रेलवे की हो या किसी प्रकार के एग्जाम हो, हमारे को 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज पर आधारित में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक बॉक्स पर आधारित, मतलब एक बॉक्स है उसमें हमारे को त्रिभुज दी गई है तो उसमें हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। तो देखो, पहले एग्जांपल दिया गया है हमारे को, ये हमारे को बॉक्स दिया गया है, ठीक है, और इसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो क्या है, पहले तो हमारे को 1 2 3 4, ये जो दिख रही है ये 4 त्रिभुज है, और फिर है 5 6 7 8, दो दो को मिलाकर ये हमारी कितनी होगी, पूरी टोटल 8 त्रिभुज होगी। तो हम इसको ऐसे न गिन के हम इसको कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। तो ट्रिक क्या है इसकी, हमारी पार्ट गुणा दो। पार्ट का मतलब क्या है, जो हमारे को त्रिभुज जो अंदर दिख रही है, मतलब जितने इसके अंदर पार्ट हैं उनको हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 पार्ट हैं तो 4 गुणा 2, तो हमारी इसी प्रकार कितनी त्रिभुज होगी, 8 त्रिभुज हो गई। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पार्ट है, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितने हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो कितना होगी, इसमें कितनी त्रिभुज होगी, 10 त्रिभुज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी प्रकार का, इसमें कितने पार्ट है, इसमें 6 पार्ट है, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज हैं और आप आराम से बैठ कर गिन भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पार्ट गुणा दो, ओनली एक बॉक्स पर आधारित कि हमारी ट्रिक है, ठीक है। फिर है हमारे 2 बॉक्स पर आधारित, मतलब हमारे को 2 बॉक्स दे दिए जाते हैं, मतलब एक लाइन में बॉक्स दे दिए जाते हैं जो आप इस में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हमारा ट्रिक क्या रहेगा, इसमें रहेगा 10 गुणा n-2, ठीक है। n क्या है, इसमें n है बॉक्सों की संख्या, जो बॉक्स है ना, जो जो इसमें 2 बॉक्स हैं, इसमें 3 बॉक्स हैं, इसमें कितने हैं, 4 बॉक्स, तो ये जो संख्या है ये हमारी n रहेगी, ठीक है। तो इसमें ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें पहले के हिसाब से गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, 4 8 तो इसमें है और 8 इसमें है और 2 इसके साथ और बन रही हैं, 8 दूनी 16 की, तो 2 और बन रही, कौन कौन सी त्रिभुज बन रही है, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो 8 दूनी 16 2 18 हो गई ना, तो इसमें 18 त्रिभुज होगी। तो हम इसको ऐसे ना करके कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है हमारी, 10n-2, तो इसमें कितने बॉक्स हैं, 2 10 गुणा 2 20-2 कितना हो गए, 18, तो ये हमारी कितनी संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या 18। फिर अगला एग्जांपल है हमारा, इसमें कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स, तो 10 गुणा 3 30-2, 30 में 2 घटाए तो कितने बचे हमारे पास, 28, तो इसमें हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 28, ठीक है। और फिर है, इसमें कितने बुक्स हैं, 4, तो 10 गुणा 4 कितने होंगे, 40-2 कितने होंगे, 38, तो इसमें हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 38। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर हमारी ट्रिक कैसी लग रही है, तो ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे अगला देखते हैं, जब एक्स्ट्रा बुक्स लाइन या ऊपर या नीचे हों, ठीक है, मतलब जो लाइन में बुक्स हैं उनके एक एक्स्ट्रा बुक्स क्या तो साइड में हो या नीचे ऊपर हो और एक क्या बीच में हो, देखिए जो इस प्रकार आप आकृतियों में देख पा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो अगर बॉक्स किनारे पर हो तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे, जो ट्रिक है उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो बीच में है तो हम उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमारे अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमारे इसमें 3 बॉक्स है, 2 तो सीरीज में है और 1 किस पर है, किनारे के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या था कि हम क्या करेंगे, 10n-2 वाला ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें 10n कितने हैं, n कितने हैं, मतलब बॉक्सों की संख्या कितनी है, 3,
तो 3 है तो क्या करेंगे, 10 गुना 3 30 माइनस 2 कितने हो गए, 28। और 28 में क्या कर देंगे, एक और जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो बुक्स है ये एक किनारे पर है तो एक जोड़ देंगे, तो 28 प्लस एक कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे को बुक्स अगर बीच में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 10 इतने बुक्स कितने, 1 2 3 4, तो 10 गुना 4 40 माइनस 2 कितने हो गए, 38, और प्लस 3 और जोड़ देंगे तो 38 और 3 41, तो हमारे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है, फिर है एक्स्ट्रा बुक्स मतलब साइड में भी हों और बीच में भी हों, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बुक्स गिन लेते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक्स हैं इसमें, तो हमारा सूत्र क्या था कि 10 n माइनस 2, तो 10 n कितने, 10 गुना 8 80, 80 माइनस 2 कितने हो गए, 78 78। और फिर हम क्या करेंगे, जो बाहर के बुक्स कितने हैं, 2 तो किनारे पर बुक्स है तो 2 तो ये जोड़ देंगे, ठीक है, फिर 2 बीच में बॉक्स है तो 3 3 इसमें और जोड़ेंगे तो 6 ये जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे से, 78 और 2 कितने, 80 80 6 86, तो हमारे टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो जाएंगे, इस आकृति में 86 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है फिर एग्जाम्पल, हमारे को ऐसा त्रिभुज दे दिया गया, मतलब ऐसा आकृति दे दिया गया, अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बॉक्स गिनेंगे कितने हैं, 3 4 और 5 बॉक्स है, तो क्या करेंगे, हमारा ट्रिक क्या होने वाला है, 10 n माइनस 2, तो 10 n कितना है, 5, तो 10 गुना 5 50 माइनस 2 कितने हो गए, 48, प्लस कितने और जोड़ेंगे, देखो बीच में आ रहे हैं ये दोनों बॉक्स का, साइड में नहीं है किस में, बीच में, तो 3 इसके जोड़ देंगे, 3 इसके जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा बॉक्स जो त्रिभुज बनेंगे वो, तो 3 और 3 कितने होंगे, 6, तो इसी प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 48 और 6 54, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 54 हमारे त्रिभुज होंगे। ठीक है, फिर है जब बॉक्स लाइन पर हो, दो लाइन में हो, जब बॉक्स है वो दो लाइन में हो, मतलब दो लाइन में ऐसी प्रकार, ठीक है, जैसे इस प्रकार दो लाइन में हो, तो हम इसमें क्या ट्रिक रहेगा हमारा त्रिभुज गिनने का, वो रहेगा हमारा 12 n माइनस 4। ठीक है, 12 n माइनस 4 हमारा ये ट्रिक रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे एन क्या रहेगा इसमें, बॉक्स कितने बॉक्स हैं, तो इसमें कितने बॉक्स है, 4, तो 12 गुना 4 की माइनस 4, ठीक है, 12 गुना 4 माइनस 4, 12 चौक 48 माइनस 4, 48 में 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 44, तो इस पूरे बॉक्स में कितने त्रिभुज होंगे, 44 त्रिभुज होंगे। ठीक है, फिर अगला आकृति हमारा ये, इसमें देखेंगे हम कितने त्रिभुज हैं, इसमें है 6 त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे, 12 गुना 6 माइनस 4, ठीक है, तो 12 6 72 माइनस 4 72 में 4 घटाएंगे तो 68, तो 68 इसमें आकृति में क्या है, त्रिभुज है हमारी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कितने, दो लाइन में त्रिभुज है और कितने त्रिभुज है, 2 2 4 2 6 2 चौक 8 त्रिभुज है, तो 12 गुणा 8 माइनस 4, तो 12 गुणा 8 माइनस 4 कितना हो गया, 96 माइनस 4, तो 96 से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 92, तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल आकृतियों की संख्या 92 है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर है अगला, जब 3 लाइन में हो, जब बॉक्स है वो 3 लाइन में हो, तो इसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें हमारा ट्रिक क्या रहेगा, 14 n माइनस 16, 14 n माइनस 16 हमारा ट्रिक रहेगा, तो इसमें कितने बॉक्स हैं, 3 3 9 बॉक्स हैं इसमें, तो 14 गुणा 9 माइनस 16, 14 9 से करेंगे 126 माइनस 16, 126 में 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 110, तो इस पूरे बॉक्स में आकृति है, इस पूरी आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज है, 110 त्रिभुज है। ठीक है, फिर है हमारे त्रिभुज गिनने का अलग प्रकार है, त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज हो, अगर त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज हो, जैसे आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे इस प्रकार के हमारे को त्रिभुज दी गई हैं, तो इसमें हमारा क्या ट्रिक रहेगा, तो ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 और एक जो पूरी बार वाली है ये 5,
तो इस जो छोटी आकृति होगी तो उसमें तो हम गिन सकते हैं, और इसी प्रकार और भी ज़्यादा हो तो उसमें हम नहीं गिन पाएंगे। तो इसके लिए हमारा ट्रिक क्या रहेगा, 4n-3। ठीक है, तो हमारा ट्रिक रहेगा 4n-3। तो सबसे पहले इसमें लगा देखो, एन क्या है इसमें, इसमें है एन त्रिभुजों की संख्या। तो 4n क्या है, तो 4n-3, तो एन का मान इस त्रिभुज में कितने हैं, दो, इसमें क्योंकि दो ही त्रिभुज है, तो 4 × 2 − 3, 4 × 8 − 3, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, इसमें लगाते हैं ये ट्रिक, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3, तो 4 × 3 − 3, 4 × 3 = 12 − 3 = 9। तो इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9। फिर इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुजों की संख्या है, अंदर मतलब अंदर से अंदर 4 त्रिभुज बढ़ रहे हैं, तो 4 × 4 − 3, तो 4 × 16 − 3, तो हमारे पास कितने आ गए, 13। तो इसमें टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13 आकृति है। ठीक है, फिर त्रिभुजों की जोड़ना, जो मतलब हमारे को इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, और इसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। तो हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें करेंगे एकदम ट्रिक के साथ। जैसे पहला हमारा आकृति है, इसमें हमारे को वैसे देखें तो 1, 2 और 1 पूरा बार बार त्रिभुज, तो इसमें कितने ट्रिक हो सॉरी कितने त्रिभुज होगी, 3 त्रिभुज हो गई। तो इसको ऐसे ना करके हम ट्रिक से देखेंगे, पहले तो जितने हैं ना इसमें त्रिभुज उनको नंबरिंग दे देंगे, मतलब 1 और 2, फिर जो 1 और 2 है इनको जोड़ देंगे तो 3 आ गया ना, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे। फिर अगला आकृति हमारा, इसमें कितने नंबरिंग देंगे, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे को, 3, तो तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, इन सभी को नंबर है इनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितने त्रिभुज आ गई, 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 6। फिर है हमारा इस प्रकार का त्रिभुज, इसमें हमारे को लाइनिंग दे दी गई है, देखो बीच बीच में लाइन है ऐसी प्रकार, और इसमें हमारे को टोटल त्रिभुज पूछी गई है। तो हम सबसे पहले इनको नंबर दे लेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में 1, 2, फिर 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 4, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे वाले में 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3। फिर ऊपर वाले जो 3 है उनको जोड़ लेंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 6, और इसमें 4 वाले में जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास 10, और फिर इसमें नीचे वाले में जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएंगे, और एक जो पूरी बाहर वाली त्रिभुज है इसमें से जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15 ये आ जाएंगे। ठीक है, 15 ये आ जाएंगे, तो इब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, तो इन सभी का हमारा योग क्या होगा, 49। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस आकृति में, 49। तो इससे छोटा और एक और देखते हैं, जो इस प्रकार का त्रिभुज है इसमें सबसे पहले हमारे को इस प्रकार बीच में लाइन दे दी गई है, तो इसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखेंगे, 1 और 2 जोड़ को जोड़ लेंगे, 3, फिर 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 6, और नीचे वाले में भी 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे त्रिभुजों की संख्या, 15। तो इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 15। फिर अगला टाइप है हमारा, इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है उसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। तो हम इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो नीचे वाले डब्बे हैं जैसे हमने नंबरिंग लगा रखे 1, 2, 3, अगर ये 3 डब्बे हैं तो ये अगर सम है और विषम है तो इनकी अलग अलग ट्रिक है दोनों की, अगर विषम है तो हम ये ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो एन क्या है, ये जो नीचे वाले डब्बे हैं ना मतलब 3, तो एन का मान क्या है इसमें, 3 है, तो इसमें इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो ये ट्रिक क्या है, एन इंटू में n+2 इंटू में n2n+1 − 1/8। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 3 है तो इसमें हम मान रख देंगे 3 और 2, n+2 मतलब 3 + 2 = 5, गुणा में 3 × 6 + 1 = 7 − 1/8, इन सभी को गुणा करेंगे, 3 × 5 × 7, तो हमारे पास 105 − 1/8, तो 104/8, तो भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13। तो इस पूरी आकृति में हमारी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, फिर इसमें अगर ये जो नीचे वाले खाँचे हैं, ये जो नीचे वाले त्रिभुज हैं, इसमें एन का मान मतलब सम हो तो ये ट्रिक दूसरा ट्रिक होगा, मतलब जो एक है ना ये घटाने वाला ये नहीं रहेगा, मतलब सेम ट्रिक है बस एक का ही अंतर है, जैसे एन सम है तो ये हमारा ट्रिक रहेगा, एन एन प्लस वन
इंटू में 2n+1/8। ठीक है, तो नीचे वाले में देखो डब्बों की संख्या क्या है, सम है 1 2 3 4, मतलब नीचे चार त्रिभुज हैं, तो इसमें n का मान क्या हो जाएगा, 4। तो 4 4+2 6, गुणा में 4 2 8+1 9, ठीक है, 8। तो 4, तो हम इसको काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 2 8 2, 2 को ऊपर से काट देंगे 3, 6 को, तो 3 × 9 कितना आ गया, 27। तो हमारी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27। ठीक है, फिर अगला प्रकार है हमारे का, मतलब इस प्रकार का त्रिभुज दे दिया जाता है, तो हम इसमें कोई ट्रिक तो नहीं रहेगा, फिर हम भी कुछ ट्रिक से हम कर सकते हैं, मतलब वैसे कोई ट्रिक नहीं है, फिर वैसे ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब गिन की ट्रिक है वो लगा सकते हैं। पहले तो इनको नंबरिंग दे देंगे, तो नंबरिंग के हिसाब से कितना हो जाएंगे, 6 त्रिभुज, तो जो नंबर से बन रहे हैं वो लिख लेंगे 6। फिर देखेंगे कि मतलब दो दो जोड़े के कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे 1 और 2 जोड़े का त्रिभुज बन रहा है, फिर 3 और 4 जोड़े का त्रिभुज बन रहा है, और 5 और 6 जोड़े का त्रिभुज बन रहा है, तो ये दो दो जोड़े के कितने त्रिभुज हो गए, 3। फिर 3 3 जोड़े के देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 का बन गया, फिर 2 3 4 का बन गया, फिर 3 4 5 का बन गया, फिर 4 5 6 का बन गया, और इसी प्रकार 1 5 6 का बन गया। इसी प्रकार 3 3 नंबरिंग के कितने त्रिभुज बन गए, 6, और एक पूरा 6 का, 6 नंबर का एक पूरा जो बाहर वाला त्रिभुज है एक ये बन गया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने आ गए हमारे पास, 6 3 9 9 और 6 15 और 1 16। तो इसमें हमारी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16। ठीक है, अगर आपको और किसी प्रकार की आकृति दे दी जाती है तो आप ऐसे नंबरिंग देंगे और उससे आप त्रिभुजों की संख्या जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे, तो ये हमारा त्रिभुज गिनेंगे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, फिर ऐसा एग्जाम्पल और है, एक और ये हमारे को एग्जाम्पल है, और इसमें हमारे को त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले तो हम इनको क्या कर देंगे, नंबरिंग दे देंगे, तो नंबरिंग के अनुसार ये कितनी है, 8 है, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो 1 2 3 बन रहा है, 4 और 5 बन रहा है, 6 7 8 बन रहा है, तो इसमें कितने हो गए, 3 6 त्रिभुज हो गए एक एक नंबर के। तो फिर दो दो नंबर के कितने हो रहे हैं, जैसे 2 3 का बन रहा है एक तो, ठीक है, 3 और 5 का बन रहा है ये बन रहा, और 4 और 6 का बन रहा है, ठीक है, और 6 और 7 का बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा दो दो नंबर के कोई त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, तो इस प्रकार के कितने हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। ठीक है, फिर 3 3 नंबर के देखते हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहा है एक तो, ठीक है, फिर बन रहा है 2 4 6 का बन रहा है, और एक बन रहा है 3 5 6 का, 7 का, 3 5 7 का, तो इस प्रकार के 3 3 नंबर के कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। फिर देखते हैं 4 नंबर के कितने बन रहे हैं, ये बन रहा है 3 5 7 8 का, ये जो पूरा त्रिभुज है ये बन रहा है एक, ठीक है, तो ये बन रहा है, तो हमारे के पास 4 नंबर का एक त्रिभुज बन रहा है, और कुछ ज़्यादा नंबर के त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 10 3 13 1 14, तो इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14 है। फिर हमारे को इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है, और इस एग्जाम्पल से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इस एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, जो हम पीछे वाले जो त्रिभुज हैं उन्हीं के जो ट्रिक लगाई थी उन्हीं से हम इनमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप इनको ABCD नंबरिंग दे दो अपनी सुविधा के अनुसार, ABCDEFGH, ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे ABCDOE और F, ये क्या है, 2 नंबर की बॉक्स है, तो 2 बॉक्स है, तो इसमें क्या ट्रिक थी हमारे को, 2 से अधिक बॉक्स हों तो 10n-2, ये 10 लिख लेना आप, यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो 10n-2, तो 10n-2 से क्या होगा, 10 × 2, 10 × 20 -2 18, तो इस पूरे बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं, 18, ये हमने लिख ली। फिर ABC और G, इसमें 1 और 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितने बन जाएंगे, 3, तो 1 इसमें कितने आ जाएंगे, 3, इसी प्रकार इसमें भी कितने आ जाएंगे, 3 बन जाएंगे, तो इसमें भी कितने बनेंगी, 3। फिर 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, देखो कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, फिर एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है, ये 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो 18 6, 3 × 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 28, तो हमारे टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे इस आकृति में, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आप इन सभी को पीछे की ट्रिक से भी आप इन सभी की त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखो ये त्रिभुज हमारे पास एग्जांपल ये है, मतलब
इसमें हम ट्रिक पीछे वाली लगाएंगे, मतलब क्या बन रहा है ये, इस प्रकार की बन रही है। तो इस प्रकार के त्रिभुज में हम क्या करते थे, नंबरिंग देंगे उनको जोड़ देते थे। तो क्या करेंगे, इसको एक दो नंबर दे दिया, फिर छोटे वाले को दे दिया, फिर इसको दे दिया, फिर छोटे वाले को दे दिया, फिर इसको दे दिया। तो कितने प्रकार के नंबर हैं इसमें, कितने त्रिभुज हैं, एक और दो कितने हैं, तीन। तो कितने, एक दो तीन चार पाँच, तो क्या 3 बार क्या लिख लेंगे, 5 बार कितने लिख लेंगे, तीन तीन, फिर 4 त्रिभुज और बन रहे हैं। आप देखोगे तो ये दो 4 त्रिभुज हैं, ये और बन रहे हैं, ठीक है, ये छोटे वाले 4, ये और बन रहे हैं, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 19। तो इस आकृति में हमारे टोटल त्रिभुज कितने हैं, 19, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज गिनने का पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप बताइएगा आपको ट्रिक कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार के आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अगर एग्ज़ाम की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।